नमस्कार दोस्तों, आपका फैमिली ऑर्डर डॉक्टर एपी। जाबाज, ब्रेव किसे कहते हैं दोस्तों? हम कोई दवा गोली से किसी को जाबाज नहीं बना सकते। हम तो केवल टेंशन को कम कर सकते हैं दवा से, लेकिन जाबाज जो होते हैं वो दिल से होते हैं, वो अंदर से बनते हैं। दो केस लाया मैं आपके सामने। एक केस में भरी बाजार में एक 17 साल का लड़का आया कोयता लेकर, अपने किसी पहचान वाले को जूना दुश्मनी निकालने के लिए वो आया और उसके पकड़कर उसको गला काटने लग गया। उसको पता नहीं था कि मर्डर कैसे होता है, पहली बार मर्डर करने आया। उसी बाजार में एक लेडीज 35-40 साल की होगी, वो गई, उसने उस लड़के को पकड़ लिया पीछे से, वो मर्डरर को जो मर्डर करने आया था दोस्तों, उसने उसको पकड़ लिया, ये नहीं सोचा कि उसकी जान खतरे में आ सकती है। और उसने तब तक उसको पकड़ा जब तक उसने अपना हथियार छोड़ नहीं दिया, कोयता लेकर आया था। दोस्तों भरी बाजार में सब देख रहे थे, अरे क्या हो रहा है। सबको एक नया स्टोरी मिल गया, सबको मोबाइल पर वीडियो निकालने का एक मौका मिल गया, वायरल कर देंगे, क्या वीडियो है मर्डर का, लाइव मर्डर का एक केस। वाह दोस्तों, वो लेडीज मेरी ही पहचान की एक पेशेंट है दोस्तों। गर्व है मुझे कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं। ये मैं नसीबवान हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ मुलाकात में हूं कि बाबा, वो भरी बाजार में उसने उसको पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके हाथ से हथियार ना छूट गया। मर सकती थी, लेकिन खुदा इतना महान है कि उसको एक खरोच नहीं आई, बच गई वो लेडीज। दोस्तों ऐसे जावाज बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये एक मैसेज है सबके लिए। हम कराटे, कुंफू, जूडो, बॉक्सिंग क्यों सीखते हैं? दूसरे को मारने के लिए नहीं सीखना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपने कहीं किसी को देखा मारते हुए, तो वही स्किल, वही जो टैलेंट है, वो किसी को बचाने में करिए, किसी की जान बचाने में काम आएगा ये टैलेंट। बस आज के यही मैसेज है कि बाबा अपना टैलेंट किसी को बचाओ, देखते मत रहो, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बचा सकते हैं। ऐसा पकड़ लो, कराटे वैसा करते हैं, कराटे वैसा मारो जाके वो गिर जाए, ताकि वो किसी की जान न लेने पाए। दूसरा केस दोस्तों, मेरा ही पहचान का एक लड़का था। एक घर में आग लग गया, सब देख रहे थे, आग लग गई। वो लड़का 22 साल का छोकरा अकेला गया, पानी लेके आग को बुझा दिया। सब देख रहे थे, अकेला गया, पूरा पानी डाल के बुझा दिया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। वाह क्या कमाल का लड़का है, इसे कहते हैं जाबाज, ब्रेव। हम सब ऐसे नहीं हो सकते, हो सकता है कि मैं भी ऐसा ना रहूं, क्योंकि हम सबको डर लगता है कि बाबा हमारी जान खतरे में आ जाएगी। हम सब सोचते हैं अरे तुम पहले, आप जाओ, और इसमें ही हम, कोई गलती नहीं है, ठीक है, हम सब का नेचर है। लेकिन हो सकता है कि ये स्टोरी सुन के हमको भी ताकत आए, हम भी किसी की तरफ इंसाफ ना इंसाफी ना देखने पाए, इंसाफ की तरफ हम बढ़ें। क्योंकि हम जब पिक्चर देखते हैं, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जब आने देखते हैं कि अरे कुछ हो रहा है तो घुस के मारते थे 1990s में, अभी तो साउथ की पिक्चरें आ गई, एक अकेला हीरो सबको घुस के मारता है। हमको भी ऐसा हीरो बनना है, तो आपके अंदर वो ब्रेवरी, वो जज्बा, वो जाबाज बनना चाहिए, तो आपके अंदर वो करेज होना चाहिए। बस दोस्तों ये दो केसेस थे, क्या बात है। मैं तो ऐसे दोनों लोगों को नमस्कार करता हूँ। ऊपर वाला करे ऐसे और लोग हमारे देश में हो, ताकि कोई किसी की जान न लेने पाए, किसी के साथ भरे रास्ते में तो ऐसे ना होने पाए। और ऐसे लोग जो आग लगते ही अपना जान का सोचे बिना जाए और पूरा आग बुझा दिया, ऐसे लोग सही में समाज में चाहिए, सोसाइटी में चाहिए, ताकि देश का भला हो, समाज का भला हो।
मैं आपका फैमिली ऑटो लॉटरी भी, तब तक के लिए आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद।